हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है कार्टफुल। तो कार्टफुल जैसे देखने में इतना ब्यूटीफुल मूव है, वैसे इसे करना भी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आराम से आपको टेक्निक बताऊंगा और थोड़ा ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आसानी से करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ आप सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, क्योंकि आपको मतलब कार्टव्हील बहुत ज़ोर से करना होता है कार्टफुल में। तो कार्टव्हील में आपका पैर में थोड़ा खिंचाव महसूस हो सकता है। तो पैर को पहले वार्म अप कर लीजिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से, फिर आप कार्टफुल के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आराम से कार्टव्हील करना है, कोई टेंशन नहीं, आराम से कार्टव्हील कीजिए सीधा सीधा। और उसके बाद आपको यहाँ से बी ट्विस्ट करना है। तो कार्ट को मतलब आराम से कीजिए और मोमेंटम को समझिए कि आपका प्रेशर जो है किस तरफ जा रहा है, और उसके बाद उसी प्रेशर से आपको मतलब धीरे से बी ट्विस्ट। पहले पहले तो मतलब आपको प्रेशर लगाना ही नहीं है कार्टव्हील में, कार्टव्हील सिर्फ धीरे से करके धीरे से बी ट्विस्ट कीजिए। तो मतलब आपका मोमेंटम जो है वो समझ में आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस कार्टव्हील को थोड़ा सा और प्रेशर से करना होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एरियल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एरियल में सेम कार्टव्हील जैसा किक होता है। तो एरियल अगर आपका परफेक्ट रहेगा तो कार्टव्हील में आपका ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो कार्टव्हील कीजिए और उसके बाद यहाँ से बी ट्विस्ट कीजिए। आप कार्टव्हील के प्रेशर से करना होगा। ठीक है, तो कार्टव्हील से प्रेशर से मतलब आप करेंगे तो आपका जो है कार्ट, फिर उसके बाद बी ट्विस्ट आएगा। तो बी ट्विस्ट का ट्यूटोरियल मेरा चैनल में है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके और बी ट्विस्ट को सीख लीजिए। और कार्टव्हील का भी मेरा पास ट्यूटोरियल है, लेकिन कार्टव्हील का ज़्यादातर ट्यूटोरियल ज़रूरत नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके सीख सकते हैं। तो आते हैं कार्टफुल पे। तो इसे कार्टफुल को करने के लिए इसके बाद आपको परफेक्ट करना होगा अपने कार्टव्हील और बी ट्विस्ट को। तो इसको फास्ट आपको करना होगा, कार्टव्हील और उसके बाद बी ट्विस्ट। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ फेंकना होगा। मतलब बी ट्विस्ट में जैसे आप मतलब कैसे साइड में घुमाते हैं ना, तो आपको ये क्या करना होगा, ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर पुल करना होगा। तो ऊपर पुल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो काट के बाद सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और आप रोटेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और रोटेशन का पोजीशन आपको जैसे पता है, हाथ आपका चेस्ट पे आएगा इस तरह से, और उसके बाद आपका रोटेशन होगा। जैसे मतलब कार्टव्हील से आया, यहाँ से डायरेक्ट चेस्ट पे लाना होगा, ऐसे पंच करके चेस्ट। ओके, तो ऐसे आपका रोटेशन आएगा। और उसके बाद मतलब आपका लैंडिंग जो है वो एरियल ट्विस्ट जैसा बहुत सा होगा। मतलब एरियल ट्विस्ट में जैसे आपका लैंडिंग आता है ना ऊपर से नीचे पैर, उस तरीके से आपका आएगा। तो आपको एरियल ट्विस्ट भी सीख लेना ज़रूरी है। देखिए क्या है, आपका बेसिक से मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है ट्रिकिंग। मतलब आप पहले ही 360 वगैरह नहीं सीख लेते, पहले आपको बैक फ्लिप सीखना पड़ता है, फिर एरियल सीखना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके मतलब आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको एरियल उसके बाद एरियल ट्विस्ट या बी ट्विस्ट अगर कुछ भी नहीं आता हो, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा आप कार्टफुल ट्राई ना कीजिए, पहले वो सब सीख लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपका मतलब मोमेंटम भी समझ में आता है, रोटेशन वगैरह कैसा होता है। और उसके बाद आपका बॉडी कंडीशनिंग के नाम का भी एक चीज़ होता है कि आपका बॉडी में फ्लिप नाम का एक चीज़ होगा, वो धीरे धीरे आएगा, जो फ्लिप करते करते पावर आता है बॉडी में वो भी होगा। तो पहले आप मतलब झट से झाड़ पे चढ़ने का कोशिश मत कीजिए, पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कीजिए अच्छे से, फिर वार्म अप वगैरह कीजिए, वर्कआउट कीजिए, फिर अपना बॉडी का स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, और इस तरीके से आप ट्रिकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियोस अगर पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा कम फॉलोअर्स है, तो उधर में मेरा थोड़ा चौड़ बढ़ा दो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, और देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।